हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम ट्यूटोरियल में। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीपीसीएल टीजी2 का जो पेपर था वो 24-25 को लगभग ख़त्म हो गया है सारा पेपर, तो उसका कट ऑफ कितना जाएगा, ये उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जिस जिसने एग्ज़ाम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि उसके नोटिफिकेशन में एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स के अपडेट्स मिलते रहें। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो में कि क्या जाने वाला है कट ऑफ और किस पे डिपेंड करेगा। तो यूपीपीसीएल टीजी2 एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो डिपेंड करेगा 3 फैक्टर पे कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स क्या हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी अवेलेबल हैं जिस पे भरनी है वैकेंसीज, इस पे बहुत ज़्यादा मैटर करेगा और पेपर के लेवल पे बहुत मैटर करेगा। कई स्टूडेंट के सर्वे करने के बाद पता चला है कि काफ़ी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि कंप्यूटर साइंस वाला जो सेक्शन था वो काफ़ी टफ आया था, तो उनको दिक्कत हो रही थी इसको सॉल्व करने में। या तो किसी का थ्योरी वाला सेक्शन जो था वो ख़राब गया है या तो किसी का कंप्यूटर साइंस वो ख़राब गया चला गया है, तो कंप्यूटर में ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो इसीलिए पेपर का कट ऑफ जो है वो काफ़ी फ्लक्चुएट कर जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि हम लोग यूपीपीसीएल टीजी2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो देखिए, ये है यूपीपीसीएल टीजी2 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जनरल का जो कट ऑफ है वो 55% या 55% से ऊपर जाने की संभावना है, और जो ओबीसी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 52% मार्क्स जा सकता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो में। और एससी का जो कट ऑफ है वो नियर अबाउट 45% मार्क्स जा सकता है, और एसटी का जो है वो 43% मार्क्स तक जा सकता है। अगर आपका इतना मार्क्स है या इससे ऊपर आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को पता चल सके। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एग्ज़ाम ट्यूटोरियल्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन में इसके अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।